सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज किशन रावत और आज के इस व्लॉग में ना कुछ खास चीज होने वाली है। जैसे कि भाई आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये व्लॉग बहुत ज्यादा खास है। तो अभी ना मैं उखीमठ मार्केट में हूँ और भाई बहुत सुंदर नजारा है, चहल पहल बहुत ही ज्यादा है। तो डोली आ रही है भाई आज मधमेश्वर की, तो आज मधमेश्वर की डोली बस पहुंचने वाली है। अभी मैं उखीमठ मार्केट में आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से ना लोग पैदल चलते हुए आपको दिखेंगे पूरे कहाँ तक, जहां तक डोली आ रही। लोग प्रेफर करते हैं कि दर्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, जो कि ना और बाकी और टाइम जब मंदिर में डोली जाएगी तो उस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और मम्मी लोग भी उधर ही हैं तो उनको भी पिक करना है। डोली यहां से लगभग होगी 2-3 किलोमीटर लगभग। और अभी यहाँ रोड पे इतना ज्यादा रश है तो मंदिर में कितना रश होगा जहाँ डोली जानी है। ये देखो भाई, ये रे मम्मी लोग और बहुत जो भीड़ लगी है ना वो सामने, वहां से डोली आने वाली है थोड़ी देर में। अभी टाइम है, आराम से भाई साहब। भीड़ देख रहे हो, भीड़ डोली के पीछे पीछे कितनी जनता है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है। और गाड़ियां ही गाड़ियां हैं साथ में पीछे पीछे। तब तक हम क्या करेंगे भाई साहब, गाड़ी ही रहने, क्योंकि पीछे बहुत लंबी लाइन है और यहाँ से गाड़ी मोड़ना मतलब महाभारत, वहीं बैंड से मुड़ेगी तो बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर ना डोली यहाँ पे रुकी होगी, जिस जगह हम खड़े थे वहां से कम आधा किलोमीटर आगे आगे डोली। पीछे लाइन देखो भाई, एक नंबर लाइन है। और भीड़ चेक करो भाई साहब, लोग माला डालने के लिए ना इतना वो कर रहे हैं यार, संघर्ष। ये देखो भाई, लोग जूते चप्पल लेके तो ही टच कर रहे हैं मधमेश्वर को। ये देखो वहाँ देखो, चल बच्चे को तो पता नहीं है लेकिन बड़ों को तो पता है ना। वो देखो ये देखो भाई, पूरा जाम लग गया है इधर, बहुत ज्यादा भीड़ है यार, बहुत ही ज्यादा। तो जी वापस आ चुका हूँ अपनी कार के पास, क्योंकि हम लोग पैदल पैदल गए थे डोले के साथ साथ 1 किलोमीटर आगे तक। तुम पहले आ गए यार गाड़ी के पास, मैंने सोचा कि तुम यहाँ पे आ गए होंगे इसलिए मैं कहाँ भाई साहब, अलग ही दुनिया में सब लोग पहुंच गए 1 किलोमीटर आगे। सामने घर दिख रहे हैं वहाँ तक, वहाँ पे तक गए थे पैदल पैदल और अपनी कार यहाँ खड़ी करके। बिग ब्रेन लगा रही है ना, चल के कौन ये मेरे को प्रसाद मिला रहे, ये मेरे को प्रसाद मिला, बोले बाबा ने मुझे प्रसाद दिया। अच्छा, ये तो मेरे गाड़ी के लोग हैं। और अब जो नेक्स्ट स्टॉप रहने वाला है भाई, काम मंगोली में ना, मम्मी मंगोली में रुकेगी डोली ना, अब मंगोली डोली रुकेगी उसके बाद डायरेक्ट जाएगी, हाँ मंगोली चारी में, उसके बाद डायरेक्ट जाएगी ओंकारेश्वर टेम्पल, जो कि मेरे ख्याल से ना अभी हम उस जगह पे कहीं पे थे यहाँ से स्पीड के पीछे विजिबल नहीं हो रहा है, तो वापस आए हैं बाय रोड और दोबारा अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए। मम्मी पहले आ गई थी, मम्मी की चप्पल तो छूट गई थी भाई रोडों पे। बाकी ये डोली से प्रसाद मिला है, फूल की माला और एक इसे क्या बोलते हैं, पगड़ी, ये कहीं और लगानी पड़ी जो कि दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी आगे। तो जी थोड़ा आगे आए थे और मौसी ना यहाँ से ऊपर आए हैं, मौसी नाने लोग, कुछ लोग ड्रॉप करने आए थे, कुछ लोग जा रहे हैं वापस।
हमारी मौसी अलग ही रास्ते से आई है 2 घंटे बाद। आओ चलो फिर डोली निकल गया फटाफट। बाय बाय। घर दिखाता हूँ भाई किस रास्ते आई है लोग पैदल। रास्ता तो वैसे ये था, रोड तो बन रही है, लेकिन घर देखो भाई वो सामने खड़े उधर नीचे। ओ भाई साहब बहुत नीचे है। नानी मुंह तो बंद कर दो अपना, मुंह बंद कर दो, मुंह भाई। घर जा रहे नीचे, मेले में जा रहे सारे के साथ। मेले में जा रहे अभी। डांस का प्रोग्राम भी है ये, वाइट। अच्छा ये वाले भाई मेले में एंटर होते ही ना, ओ भाई साहब भीड़ ही भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़। भाई हमको पहुंचे हुए ना अभी 1 घंटा हो चुका है और डोली अभी आने ही वाली है थोड़ी देर बाद। तो जी मधमेश्वर जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने गाड़ी लगा दी थी देहरादून। अभी मैं देहरादून पहुंच चुका हूं भाई, तो दर्शन हमारे अच्छे से हो गए थे डोली के, बाबा जी के, बाकी केदारनाथ और मधमेश्वर दोनों ओमकारेश्वर मंदिर में हैं। आप लोग कभी भी मतलब 6 महीने जो अभी आने वाले आगे 2024 तक आप दर्शन कर सकते हैं मधमेश्वर केदारनाथ जी के उखीमठ ओमकारेश्वर टेम्पल पे। तो हम लोगों ने तो गाड़ी लगा दी थी अपनी इधर देहरादून, और फिलहाल भाई साहब जो 2024 में कपाट खुलेंगे ना वो मई में खुलेंगे। तो अगर आपको दोबारा डोली दर्शन करने हैं तो आप 2024 मई में खुलेंगे 24 तारीख शायद, तो आप उससे पहले डोली जाती है 3 दिन पहले जाती है मधमेश्वर के लिए। तो आप लोग जा सकते हैं डोली दर्शन साथ में कर सकते हैं, डोली यात्रा भी कर सकते हैं आप लोग मधमेश्वर जी के, केदारनाथ जी के। और फिलहाल तो भाई मैं लाया था अपने गाँव साइड से भाई एक बहुत ही प्यारी, ये देखो भाई ये मतलब ना आते हुए भी ना आ चुकी है हमारे फैमिली मेंबर में ऐड होने के लिए। बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी। देखो जो आप ये मेरा शॉट देख रहे होंगे थोड़ा लेट शूट करा मैंने ये, और फिलहाल तो भाई इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाय, जब को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसे ब्लॉग चाहिए तो बाकी भाई आप कमेंट कर देना। बाय बाय, टाटा, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे भाई, ये बहुत तेज है भाई। बाय बाय।